हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अल्ताफ शेख। स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है बिगनर टू प्रोफेशनल। दोस्तों तो कल के दिन में हमने क्या बात की थी फ्रेंड्स, कल के दिन में दोस्तों हमने बात की थी कि मार्केट ये 35,000 का जो लेवल है इसके ऊपर रहेगा, और ये मतलब 35,000 का जो की लेवल है, अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है तो मार्केट ऊपर ऊपर ही निकलेगा, और अगर इसके नीचे आ जाएगा तो मार्केट नीचे स्ट्रेट लाइन तक आ सकता है। बट जैसे दोस्तों हम अगर देख रहे हैं दोस्तों, मार्केट ने दोस्तों आज ओपनिंग की है यहाँ पर इतने ऊपर, जो ओपनिंग दोस्तों प्राइस है 35,325 की दोस्तों आज मार्केट की ओपनिंग है। और ये दोस्तों लगभग हमने जो कल जो लाइन ड्रॉ की थी ये वाली ग्रीन वाली, जिसकी वैल्यू है दोस्तों वो 35,356। दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साफ साफ के मार्केट एग्जैक्टली इसी लाइन के ऊपर ओपन होने के बाद फ्रेंड इसी का सपोर्ट लेते हुए मार्केट आज ये यहाँ से डाउन साइड मोमेंट इसने कंटिन्यू की है, और डाउन साइड में दोस्तों कंटिन्यू करते करते देखो यहाँ तक आ चुका है 35 के लेवल पे, और 35,000 पे दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट बनने के बना हुआ था, इसीलिए दोस्तों यहाँ से अगेन मार्केट एग्जैक्टली कुछ 3 बजे के आसपास में मार्केट ने स्पाइक दे दिया अपर साइड की मोमेंट। दोस्तों ये है हमारी एनालिसिस जिसके बीच में मार्केट फंसी हुई है, और एग्जैक्टली मार्केट ने भी वही किया जो हमने कल लाइन ड्रॉ किए। तो दोस्तों ये होता है एनालिसिस की पावर। दोस्तों ऐसे ही एनालिसिस आप भी कर सकते हो, तो वीडियो दोस्तों पूरे देखिए और वीडियो से सीखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों तो चलते हैं अभी कल क्या हो सकता है वो देखने। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसका टाइम फ्रेम चेंज करना चाहूँगा। टाइम फ्रेम दोस्तों मैं लॉन्ग टर्म हमेशा लेता हूँ, 1 डे के टाइम फ्रेम, और दोस्तों ये मैं सिलेक्शन इसलिए करता हूँ ताकि हमें इसमें साफ साफ ये नज़र आए एटलीस्ट कि मार्केट ने कैंडल किस तरह से बनाया हुआ है। तो अगर ये हमें एक बार समझ में आ जाएगा तो हम मार्केट का इजीली से ट्रेंड पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये लगभग पिछले 4 दिनों की कैंडल दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये 24 तारीख की, 25 तारीख की, 26 तारीख की, और ये 27 तारीख की, और ये दोस्तों हमारी आज की कैंडल। दोस्तों यहाँ पर अगर देखोगे 4 दिनों में तो मार्केट ने कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन किया हुआ है, और आज दोस्तों मार्केट ने इसको अपर साइड ब्रेक देखते हुए मार्केट एग्जैक्टली इस कंसोलिडेशन के थोड़ा सा ऊपर आके क्लोज कर दिया है, जो दोस्तों वैल्यू बनकर आ रही है 35,141 की। बट मार्केट दोस्तों इसके ऊपर तो आ चुका है, और जो कैंडल दोस्तों यहाँ पे बनी हुई है ये एक तरह की दोस्तों अपर साइड में मूवमेंट करने वाली कैंडल बनी हुई है, जो आपको दोस्तों यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा होगा। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि आने वाले जो वीक है और इस वीक में मार्केट अपसाइड हो सकता है। बट दोस्तों जैसा हम बताते हैं हमेशा, मार्केट हमेशा दोस्तों 1,000 या 1,200 पॉइंट के मोमेंट में ही काम करती है हर हफ्ते में। तो आज के दोस्तों जो कैंडल ने जो काम किया है, अगर आपको सो दिखेगा दोस्तों, ये ओपनिंग प्राइस है दोस्तों 35,345 की, और क्लोजिंग है 141। मतलब जो इसने जो आज जो दोस्तों काम किया है ना, ये लगभग फ्रेंड्स पकड़ सकते हैं हम यहाँ पर 440 के आसपास में। फ्रेंड्स देखिए जो उसका हाईएस्ट, अगर मैं हाई अगर बोलूँ 436 का है, इसने 436 का हाई मारा है, बट क्लोजिंग अगेन इसने नीचे दे दिए। तो दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आने वाले दिनों में अभी मार्केट और ऊपर चलेगी, और ये हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल दोस्तों हमने जो ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर, फर्स्ट ग्रीन लाइन को तो ऑलरेडी यहाँ पे टच हो गया, ये सेकंड वाली 35,500 के आसपास का दोस्तों, ये भी बहुत जल्दी हमें 1 से 2 दिनों में टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई देगा फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों अभी मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ और चलते हैं हम यहाँ पे पहले वन आवर के कैंडल में। दोस्तों 1 आवर के टाइम फ्रेम में दोस्तों मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और यहाँ पर दोस्तों हमें जो देखने के मिल रहा है इसमें दोस्तों अब मैं आपको एक बारीकी से एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आए। देखिए दोस्तों मार्केट यहाँ से 17 तारीख की कैंडल में बताना चाहूँगा, 17 तारीख को दोस्तों मार्केट ने ऊपर अप लिया, अगेन ये लाइन को रिटेस्ट किया। बट दोस्तों ये जो गोलाकार जो बना हुआ है, ये मोमेंट इतना बड़ा, इसकी साइज़ देखिए फ्रेंड्स। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ से देखिए 20 तारीख के बाद दोस्तों मार्केट ने अगेन अप मोमेंट दिया है, और फिर से इस लाइन को रिटेस्ट करने के लिए आ गया। दोस्तों इसके जो हाइट की साइज़ देखिए दोस्तों, इसकी हाइट की साइज़, अगेन इसकी हाइट की साइज़, और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर 27 तारीख से देखिए मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर गया है, और अगेन ये यहाँ पर दोस्तों इस कैंडल ने रिटेस्ट किया हुआ है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि पहले मार्केट में स्ट्रेंथ था, देखो ऊपर साइड में स्ट्रेंथ था, फिर स्ट्रेंथ थोड़ा और हुआ, अब स्ट्रेंथ छोटा हो गया है, छोटा हो गया दोस्तों। इसका मतलब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है मार्केट अगेन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करेगी, अभी होल्ड करने के बाद दोस्तों जब मार्केट और ऊपर जाएगी, जब
तो इसका जो बनेगा दोस्तों अगला, तो ये हो सकता है मे भी दोस्तों थोड़ा इससे भी छोटा बने, मतलब मान लीजिए यहाँ से इतने में ये यहीं पे 35 में 35,500 से लेके 800 तक है। मुझे दोस्तों ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक शायद इसी में क्लोज़ हो जाएगा, 35,500 से लेके 800 के बीच में ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि जो इसकी साइज़ दिन ब दिन दोस्तों छोटी होती जा रही है। जैसे पहले बड़ी साइज़ थी, फिर बड़ी उससे थोड़ी सी कम हुई, अब थोड़ी सी और कम हुई, तो मे भी दोस्तों हो सकता है अगला जो इसका राउंड बनेगा ये 500 के ऊपर और 800 के लगभग आसपास में, मतलब इस वीक का मुझे लगता है दोस्तों 800 के आसपास में जो हो सकता है ये पॉइंट्स बने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है मुझे, और थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन दोस्तों, और यहाँ पे एक दो दिन और रह सकती है फ्रेंड्स, यहाँ पर कंसोलिडेशन रहेगी दोस्तों तभी उसके बाद जो मार्केट ऐसे घूम के उठेगी दोस्तों, तो ये 700-800 के रेंज में जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब मैं टाइम फ्रेम अगेन चेंज करता हूँ और देखते हैं दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पर। दोस्तों तो देखिए यहाँ पे आ गए हम 15 मिनट के चार्ट पर, ट्रेंड लाइन तो दोस्तों आपको ये रेड वाली ट्रेंड लाइन तो समझ में आ गई है। अब दोस्तों हम यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं दोस्तों, 15 मिनट के चार्ट में दोस्तों यहाँ पे अगर मार्केट को मैं देखूँ तो 35,400-350 के आसपास में ये दोस्तों आज मार्केट इसी रेंज में घूमी है, 35,000-350 के आसपास में मार्केट घूमी है आज के दिन में दोस्तों, मतलब एक तरह का रेंज ही पकड़ लीजिए इस रेंज में घूमी है। तो आने वाले दिनों में दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है अभी मतलब के मंडे के दिन में मैं भी दोस्तों मार्केट यहाँ पे अगेन गैप अप ओपन हो जाए इस लाइन के ऊपर, और ये ऊपर की डायरेक्शन को फॉलो करे, फॉलो करके दोस्तों ये 35,500 तक भी चले जाए और वहाँ से अगेन दोस्तों नीचे आए। बट दोस्तों जब भी ये नीचे आएगा तो एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो ट्रेंड लाइन बनी दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए दोस्तों यहाँ पर जो भी पोजिशन बनेगी ट्रेंड लाइन के आसपास में, उस कैंडल को दोस्तों नज़र में रखते हुए आप लोग यहाँ पे बाय पोजीशन या सेल पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट होगा दोस्तों नीचे के लिए तो दोस्तों ये 35 का ही होगा, और ऊपर की दोस्तों बात करूँ तो फर्स्ट टारगेट दोस्तों ये 350 का है, 35,350, और अगला टारगेट दोस्तों ये 35,570 का है दोस्तों। मार्केट दोस्तों अभी इसी रेंज में, तो मंडे के लिए भी दोस्तों यही रेंज हमारे लिए कंटिन्यू होगा। ऊपर साइड में तो मैंने बता दिया ये टारगेट होगा 35,500, और नीचे दोस्तों 35,000, और थोड़ा बहुत तो नीचे पकड़ सकते हैं दोस्तों 25-50 पॉइंट, मान लीजिए ब्लू लाइन तक है फ्रेंड्स, ये देखिए दोस्तों ये ब्लू लाइन तक हम टारगेट पकड़ सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है, बट नीचे आने के दोस्तों चांसेस मुझे कम नज़र आ रहे, और मार्केट को ऊपर जाने के चांसेस मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे। तो ज़्यादातर दोस्तों मंडे के दिन में हमें कॉल साइड में देखना है और मार्केट के दोस्तों प्री ओपनिंग को देखना है। तो आज से दोस्तों एनालिसिस में इतना कुछ बताने के लिए खास है नहीं, एक नॉर्मल ओवरऑल मैंने आपको यहाँ पे अपना रिव्यू दे दिया है। तो एक बार दोस्तों इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी चेंज करके देख लेते हैं कि शायद कुछ यहाँ पे नज़र आए मुझे, तो गाइस यहाँ पे तो कुछ नज़र तो मुझे फिलहाल नहीं आ रहा है। तो मार्केट एकदम अपने रेंज में ये 35,000-35,500 के बीच में, इसी रेंज में दोस्तों मंडे के दिन में भी ओपन होकर इसी में क्लोज होने के चांसेस भी नज़र आ रहे हैं। बट ऊपर के दोस्तों टारगेट मैंने बता दिया 35,500, और नीचे दोस्तों 35,000 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये दोस्तों मैं अभी आपको ऑप्शन चेन में भी समझा देता हूँ तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, और ओवाई का डाटा भी दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं सबसे पहले ऑप्शन चेन की तरफ। तो दोस्तों आ गए हम ऑप्शन चेन में। दोस्तों ऑप्शन चेन की दोस्तों बात करें अभी यहाँ पे, तो 35,000 दोस्तों हमारा यहाँ पे सपोर्ट बनकर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग तो हाँ स्ट्रॉन्ग ही पकड़ सकते हैं। तो पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है ये 35,000 के लेवल पे बना हुआ है दोस्तों, और कॉल साइड में दोस्तों हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये 35,500 में दोस्तों यहाँ पे बना हुआ है, और अगला जो दोस्तों हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 35,500 की बात करूँ उसके बाद वाली तो 36,000 पे दोस्तों हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। तो मेरे भाई और दोस्तों ये मेरा ख्याल मानना है कि देखो 35,000 पे दोस्तों पुट में तो 9.6 यहाँ पे ओवाई बना हुआ है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, बट 35,000 पे दोस्तों अगर आप कॉल साइड में देखोगे तो 8.6 ये भी दोस्तों यहाँ पे पोजीशन बना हुआ है दोस्तों। ये मे भी हो सकता है दोस्तों यहाँ पे ये कॉल राइटर ने अपनी पोजीशन बनाई है, बट अभी डेटा दोस्तों ज़्यादा अपडेट हुआ नहीं है मार्केट में, तो मंडे से दोस्तों अपडेट होना चालू हो जाएगा। बट 8% दोस्तों जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ये 35,000 के लेवल पर कॉल साइड में दोस्तों यहाँ पे 8.6 मतलब लगभग 35,000 के लेवल पे जो पुट का जो पोजीशन बना है दोस्तों उसी के कंपैरिजन में कॉल में भी पोजीशन बना हुआ है। इसका दोस्तों अगर मैं अनुमान लगाऊं या फिर अपना कंक्लूजन निकालूं दोस्तों यहाँ पे ये भी आ रहा है कि
ये जो 35,000 का जो लेवल है दोस्तों, ये ब्रेक भी हो सकता है दोस्तों, इसका मतलब ये आता है। और ब्रेक होके दोस्तों नीचे अगर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 800 के आसपास तक दोस्तों, 34,800। वो दोस्तों मैंने क्यों बताया, क्योंकि 35,000 पे दोस्तों कॉल और पुट साइड में लगभग लगभग ओवाई ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब 8.6 और 9.6, मतलब 100,000 ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस है खाली। तो 35,000 का लेवल दोस्तों अभी के टाइम में मुझे वीक, मतलब एकदम स्ट्रांग तो नहीं बोल सकता हूँ, वीक थोड़ा सा नज़र आ रहा है, जो ब्रेक होने के चांसेस है। बट दोस्तों जब भी हम ऑप्शन चेन को देखें तो दोस्तों इसके साथ में हमें चार्ट का भी एनालिसिस करना होता है, और चार्ट में दोस्तों हमें पोजीशन देखनी होती है कैंडल की किस तरह से बन रही है, और उसको और ऑप्शन चेन को दोस्तों दोनों को क्लब करके जो हमारा डिसीजन निकलेगा दोस्तों, वो मेरे हिसाब से दोस्तों 100% सटीक हमारा डिसीजन निकलेगा। तो हमेशा दोस्तों ऑप्शन चेन को भी इसी तरह से रीड कीजिए जैसे मैं करता हूँ, और साथ में चार्ट को क्लब करो, तो आप दोस्तों आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, आप इसी चीज़ में माहिर बन जाओगे दोस्तों, तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों खास करके मैं मेरे दोस्तों को भी, और जो हमारा दोस्तों हमने दोस्तों टेलीग्राम में दोस्तों हमारे ग्रुप बना के रखा हुआ है मैंने, जहाँ पे दोस्तों हम जितने भी बिगनर लोग हैं हम लोग वहाँ पे उसको उन लोगों को ऐड कर रहे हैं। तो अगर दोस्तों आप में से भी किसी लोगों को अगर हमारे बिगनर ग्रुप में अगर आपको ज्वाइन करना हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हमारे टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा, आप जिसको भी दोस्तों यहाँ पे ज्वाइन होना होगा तो टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो दोस्तों। और उस टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों ज्वाइन होने का मतलब दोस्तों आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि डेली के दोस्तों हम लोग जो चार्ट एनालिसिस करते हैं लाइव मार्केट में भी, तो मैं काफ़ी सारे चार्ट पोस्ट करता हूँ स्टॉक के रिलेटेड, हम कुछ ना कुछ न्यूज़ देते रहते हैं, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल में भी। तो ज्वाइन कीजिए दोस्तों हमारा टेलीग्राम, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक दे दूँगा। तो 35,000 का दोस्तों अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 34,800 तक के मार्केट जाने की पॉसिबिलिटी है दोस्तों मंडे के दिन में, ठीक है फ्रेंड्स। बट मार्केट दोस्तों बुलिश ट्रेंड में है, तो मार्केट ऊपर ही ज़्यादातर मूव करेगा, बट थोड़ा बहुत 100-200 पॉइंट नीचे भी जा सकती है, ठीक है दोस्तों। तो हमें दोस्तों कॉल साइड में बने रहना है, ये मेरी पर्सनली एडवाइस होगी। तो चलिए दोस्तों अगेन चलते हैं चार्ट की तरफ दोस्तों। तो आ गए मैं वापस से चार्ट की तरफ दोस्तों, चार्ट और ऑप्शन चेन दोनों को निकाल के दोस्तों जो रिजल्ट निकल के आ रहा है दोस्तों, ये यही है कि 35,500 का जो लेवल है दोस्तों, ये हमारा रेंज रहेगा मंडे के लिए, और हो सकता है दोस्तों मंडे और मंगल के लिए भी दोस्तों ये हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अभी मुझे लगता है 2 दिन तक हो सकता है दोस्तों ये 500 के लेवल पे ही मार्केट घूमता रहे। इन द सेंस 500 का मतलब दोस्तों ये है कि 35,500, ठीक है फ्रेंड्स, इसका आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बाकी तो मैंने बता दिया सारा चीज़ें, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ लर्निंग मिली होगी दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सुझाव और सवाल दोनों ही कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं आप। और एक बात दोस्तों, मैंने टेलीग्राम की बात की थी थोड़े टाइम पहले अभी, तो टेलीग्राम का दोस्तों मैं अपने मेरा टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा, जिस किसी को भी ज्वाइन होना है और सीखने के दोस्तों जो कोई चाहत रखता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शब बखैर एंड स्वीट ड्रीम।